हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। वेल, रियलमी एंड ओप्पो आपको हर मंथ सिस्टम लॉन्चर के नए अपडेट्स प्रोवाइड करवाता है एंड आपको जो सिस्टम यूआई के अंदर बग्स देखने को मिलते हैं उनको भी फिक्स करता है एंड साथ में कुछ नए फीचर्स भी ऐड करता है। और रियलमी ने मई मंथ का सेकंड अपडेट जो है सिस्टम लॉन्चर का वो प्रोवाइड करवा दिया है। वेल, ये अभी तक कुछ ही डिवाइसेज के अंदर देखने को मिला है, सिर्फ फ्लैगशिप डिवाइसेज में। तो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है एंड आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से फीचर आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और जो बग आपको सिस्टम यूआई के अंदर देखने को मिलते थे क्या रियलमी ने उनको फिक्स किया है कि नहीं किया, सब कुछ आपको आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। इस टाइप की वीडियो अगर आपको फ्यूचर में और चाहिए तो नीचे आपको लाकर का बटन देखने को मिलेगा, सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ बेल आइकन को आप लोग ऑल पे प्रेस कर सकते हो। इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, आई होप आप लोग कंप्लीट करवा दोगे। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, बात की जाए फीचर्स के बारे में, बट उससे पहले आप लोग सिस्टम लॉन्चर का जो वर्जन है वो एक बार चेकआउट कर लें। सिंपली आपको जाना है सेटिंग के अंदर, ऐप के सेक्शन में जाओ, ऐप मैनेजमेंट के सेक्शन में जाओ और आपने नीचे स्क्रॉल करना है और सिस्टम लॉन्चर को आप लोगों ने सर्च करना है। वेल, इस टाइम के ऊपर अगर आप लोग सिस्टम लॉन्चर का वर्जन चेकआउट करें तो आप लोगों को देखने को मिलता है 12.0.50, जो कि आपको रियलमी यूआई 3.0 का हर एक डिवाइस में सेम देखने को मिलता है। लेकिन आगे जो मॉडल नंबर है वो आपको चेंज देखने को मिलेगा और ये आप लोगों को अपडेटेड वर्जन जो है मई मंथ का सेकंड अपडेट देखने को मिलता है। एंड बात की जाए सबसे पहले फीचर के बारे में, वो भी आपको सेटिंग के अंदर देखने को मिलेगा, कनेक्शन एंड शेयरिंग के सेक्शन में। फाइनली इस अपडेट के अंदर आप लोगों को स्क्रीन शेयरिंग का जो फीचर्स है वो रियलमी ने प्रोवाइड करवा दिया है। आप लोग अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को शेयर कर सकते हो और साथ में इसके अंदर भी काफ़ी सारे नए फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे और इसको कस्टमाइज करने के फीचर्स भी हैं जिनको आप लोग अपने यूजर्स के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। साथ में आप लोगों को मल्टी स्क्रीन कनेक्ट का फीचर भी इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। लेकिन सिस्टम लॉन्चर तो हर एक डिवाइस में इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन फीचर्स आप लोगों को कुछ ही कुछ डिवाइस के अंदर देखने को मिलते हैं। जो भी नए फीचर्स हैं वो सबसे पहले फ्लैगशिप डिवाइस के अंदर आते हैं, उसके बाद जो मिड रेंज एंड जो बजट के डिवाइस हैं उनमें आपको ये फीचर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन इस टाइम के ऊपर रियलमी के काफी सारे डिवाइस में ये जो फीचर्स है आप लोग एनेबल कर सकते हो। अब दोस्तों बात की जाए अगले फीचर के बारे में, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा सेटिंग्स के अंदर। आपने जाना है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन सेक्शन के अंदर। फाइनली आप लोगों को जो नई लॉक स्क्रीन मैगजीन है वो देखने को मिल जाती है। क्यूक ग्लांस का सपोर्ट तो देखने को मिलेगा, लेकिन साथ में आप लोगों को जो नई लॉक स्क्रीन मैगजीन है उसका सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। इसके अंदर काफी सारे नए फीचर्स देखने को मिलेंगे और नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है क्रोशियल वॉलपेपर का। सिंपली आप लोगों ने लॉक स्क्रीन मैगजीन को एनेबल करना है एंड उसके बाद आप लोग अपने स्मार्टफोन को लॉक स्क्रीन पर जाइए, आप लोगों ने लेफ्ट स्वाइप करना है, आप लोगों की लॉक स्क्रीन मैगजीन ओपन हो जाएगी। नीचे जैसे आप लोग स्वाइप करोगे थोड़ा सा आप लोगों को इसको पहले रिफ्रेश कर लेना एंड रिफ्रेश करने के बाद सिंपली जैसे आप लोग इसको नीचे स्वाइप करोगे या टच एंड होल्ड करोगे काफी सारे नए फीचर्स आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। क्रोशियल वॉलपेपर के जो फीचर्स हैं वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसकी सर्विसेज आपको अलग से देखने को मिल जाएगी और जो भी आप लोगों ने इससे पहले यूज़ कर लिया वॉलपेपर उनकी हिस्ट्री और साथ में आप लोगों को आपकी एक नई प्रोफाइल जो है लॉक स्क्रीन मैगजीन के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो इन फीचर्स को यूज़ करके आप लोग अपने लॉक स्क्रीन का जो इंटरफेस है उसको और भी एनहांस कर सकते हो। अब दोस्तों बात की जाए अगले फीचर के बारे में, तो वो आपको देखने को मिलता है पर्सनलाइजेशन सेक्शन के अंदर। वेल, आप लोगों को जिस भी डिवाइस के अंदर AOD का सपोर्ट देखने को मिलता है उनमें आप लोगों को रियलमी के एज लाइटिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। वह नॉर्मल सी एज लाइटिंग है, लेकिन इस सिस्टम लॉन्चर को इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को जैसे आप लोग एज लाइटिंग को एनेबल करोगे आप लोगों को नया फीचर देखने को मिलेगा आल्सो अप्लाइंग टू इनकमिंग कॉल। जैसे आप लोग इस फीचर्स को एनेबल करोगे आप लोगों को जो एज लाइटिंग है उसका नया इंटरफेस देखने को मिलेगा एंड कॉलिंग के टाइम भी आप लोगों की जो एज लाइटिंग है वो प्रॉपर तरीके से आप लोगों को वर्किंग देखने को मिलती थी। पहले आपको सिर्फ नोटिफिकेशन पर मिलती थी, लेकिन अब आप लोगों को कॉलिंग के ऊपर भी जो एज लाइटिंग का सपोर्ट है इसके अंदर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों सिस्टम लॉन्चर के इस नए अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को अपनी होम स्क्रीन या ऐप ड्रॉअर के अंदर जो लैग देखने को मिलता था वो देखने को नहीं मिलेगा एंड साथ में ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड जो काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। नॉर्मल तरीके से आप लोगों को जो ऐप स्विचिंग है काफी अच्छी देखने को मिलती है, स्मूथनेस इनके अंदर काफी तगड़ी है और जो आपको हैंग इश्यू देखने को मिलता था
उसको भी रियलमी ने काफी हद तक इस अपडेट में फिक्स कर दिया है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई फीचर्स के बारे में कि सिस्टम लॉन्चर के नए अपडेट के अंदर कौन कौन से नए फीचर्स देखने को मिले हैं, सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब दोस्तों मेन बात आती है कि आप लोग इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हो एंड इंस्टॉल कैसे करें। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको Realme सिस्टम एप्स अपडेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देखने को मिलेगा। इस ग्रुप को जाकर के आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है, आपको ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल देखने को मिलता है जो कि Realme Oppo OnePlus की ऑफिशियल सिस्टम एप्स जो है वो आपको प्रोवाइड करवाता है। आपको यहाँ पर डेली Realme एंड Oppo की जितनी भी सिस्टम एप्लीकेशन है वो देखने को मिल जाएंगी। सिस्टम लॉन्चर का अपडेट भी आपको यहीं पर ही देखने को मिलेगा। सिंपली आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है एंड फाइल मैनेजर में आप लोगों को वो एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करो, आप लोगों ने सिंपली इसको इंस्टॉल करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड ये सिस्टम लॉन्चर आपके डिवाइस के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद ये सभी फीचर्स को आप लोग अपने डिवाइस के अंदर यूज कर सकते हो। सो फाइनली दोस्तों इतना इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।